अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफ़ी अरसे से जो है ना मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बना रहा था, तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा जो है ना हट के व्लॉग बनाते हैं। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मेरे साथ एक लड़का था, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है जिसमें मैंने दो न्यू कमर से आपको मिलवाया था, और वो है और मैं हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं जिम में, यूनिवर्सिटी का जिम है। तो मैंने कहा आज का व्लॉग जो है आपको दिखाते हैं कि मेरी जिम की रूटीन क्या है जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। पाकिस्तान में मैं करता होता था लेकिन इतना अरसा मैंने नहीं किया था, छोड़ दिया था क्योंकि इधर आ गया, इधर आने के बाद भी टाइम ही नहीं मिला। तो अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, कोई एक महीना हुआ होगा मैक्सिमम। तो मैंने कहा कि आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना कह लो कि जिम का मैं टाइम गुजारता हूँ अपना, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। तो अभी चलते हैं, वैसे मैं रेडी हूँ, सिर्फ मैंने अपने शूज़ वगैरह पहनने हैं, बंद वो पहनते हैं, और साथ रिजवान को लेते हैं और निकलते हैं, और फिर आगे का सीन जो है वो आपको दिखाता हूँ। और आज मैं थोड़ा सा ना जल्दी जा रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ खिड़की खोल के, नॉर्मली मैं जाता होता हूँ तकरीबन कोई 6-7 या 8 बजे के करीब, मतलब 6-7 या 8 इन टाइम में मैं जाता हूँ। लेकिन एक तो उस टाइम पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने कहा सही तरह से वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं होगी, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिम में, तो बंदा अगर वीडियो बना रहा हो ना तो बड़ा क्रिंजी सा लगता है, ठीक है। तो ख़ास तौर पर अगर आप जिम में हो और आप वीडियो अपनी शूट कर रहे हो, लोग आपकी तरफ देखेंगे, तो मैं इसलिए भी थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ कि ना लोग भी ज़्यादा नहीं होंगे, तो आराम से मैं आपको दिखा सकूँगा, थोड़ा सा टूर करवा दूँगा बिल्डिंग का भी ओवरऑल भी। और उसी में ना असल में वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारी जो लोग वीडियो में आ रहे हैं उनके लिए एक और चीज़, जो Dome 5 मेरी जिसमें मैं रह रहा हूँ थोड़ी सिटी से बाहर है, इसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पर बिल्डिंग है, वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो उसमें, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जिम भी उसी बिल्डिंग में बना हुआ है। दूसरा नंबर मेरा स्विमिंग पूल भी है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं होता, मैंने कभी देखा नहीं है कि लोग वहाँ पे स्विमिंग के लिए जा रहे हों। तो खैर मैं मैक्सिमम जो है ना आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊंगा, पीछे जो फुटबॉल ग्राउंड है वो भी हम टूर करेंगे। तो अभी जो है मैं बंद शूज़ वगैरह पहन लेता हूँ और रिजवान को लेते हैं और निकलते हैं। और हाँ, आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है यार, मैं कहता नहीं हूँ वीडियोज़ में, आप लोग सब्सक्राइब करते भी नहीं हो, लेकिन देख आप लोग रहे होते हो। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मैं अपना मंजन भेजता रहूँगा साथ साथ। चलो फिर निकलते हैं, अभी देखते हैं फिर आगे का क्या सीन है। अच्छा मैं ये वाला प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, जो लोग आप लोगों में से जिम कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं और कौन सा बेस्ट है। असल में मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, ये भी मुझे एक दोस्त था यमन का, उसने रिकमेंड किया था कि ये वाला जो प्री वर्कआउट है ये, लेकिन मैं रोज़ नहीं लेता क्योंकि मोस्टली मैं तब भी लेता हूँ जबकि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, उस दिन मैं ले लिया, वरना होती तो इसमें कैफीन ही है, ठीक है। तो मतलब कॉफ़ी भी आप पी रहे हो तो वो भी सेम ही चीज़ हो जाती है। तो अभी मैं जो है ना इसको बनाता हूँ और फिर निकलते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा जी, मैं और रिजवान हम लोग इधर आ गए हुए हैं, और ये वाली जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना बिल्डिंग, ये वाली ये है सारा जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ से स्टार्ट हो के और ये पूरा यहाँ तक, और ये जो आप लोग देख रहे हो खिड़कियाँ ये जिम की हैं बेसिकली, नीचे थोड़ा सा उतर के ना सीढ़ियों से तो अंडरग्राउंड बना हुआ है। अब इसी बिल्डिंग के अंदर जो है अपना क्या नाम है बैडमिंटन वाला उन्होंने दिया हुआ है इसी के अंदर, और इस बिल्डिंग के पीछे जो है वो फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल का जो स्पेस बनी हुई है वहाँ पे कोई खेल रहे होते हैं लोग, वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, और उसके पीछे फॉरेस्ट है, मैं आपको वो वाला चल के दिखाता हूँ। और रिजवान मेरे साथ गया हुआ है अंदर, तो इसकी जो है इतनी कोई ख़ास मतलब यूनिवर्सिटी की आपकी वो जो है ना स्टूडेंट की स्टूडेंट पोर्टल जो है आपका, मैं आपको बता देता हूँ जो लोग वीडियो में आ रहे हैं ना, स्टूडेंट पोर्टल है ना जहाँ से आप लोग अपना क्या नाम है कमरा वगैरह बुक करते हो और जो बहुत चीज़ें देखते हो, समझ लो कि उधर से ही रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आप जाओगे ना तो उसमें स्पोर्ट्स का एक ऑप्शन होगा, स्पोर्ट्स का वाला, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो उधर वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सी वाली जो एक्टिविटी है ना वो लेनी है। वहाँ पे जिम का ऑप्शन भी होगा, वहाँ पे बैडमिंटन का भी होगा, चेस वगैरह का होगा, उसके अलावा बास्केटबॉल का होगा, फुटबॉल का होगा, मतलब आप जौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करना चाहो उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लो और उसके बाद आप वो एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि पीछे जो बास्केटबॉल और जो फुटबॉल का कोर्ट है वो आपको दिखाता हूँ, और बाकी ये वाली जो कॉम्प्लेक्स है ना इसके पीछे बिल्कुल उस साइड पे ऑपोजिट ये पीछे पार्क के पल्ली तरफ हमारी डॉर्मेटरी है, मतलब हमारे फ्रंट पे ही पड़ जाता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। अच्छा नौकरियां अप्लाई करने ये सब आप अच्छा
तू वीडियो बनाइए था नहीं अपने एक्सपीरियंस शेयर करो ना। एक्सपीरियंस शेयर तो मैं नाल का कर ही रहा। यार हम बात कर रहे थे स्पून फीडिंग पे, वो कह रहा है कि बच्चों को जो है ना अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि अक्सर मैं बात कर रहा था कि कोई हमें मैसेज या कॉल आती है तो कहते हैं जी हमें आप थोड़ा सा ना गाइड कर दें। तो जब पूछा जाता है ना कि गाइडलाइन आपने खुद करना है तो आपकी एज क्या, तो कहते हैं नहीं जी हमने अपने बच्चे के लिए करना है। तो यानी कि बच्चे को नहीं पता कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। उसका कहने का मतलब ये है कि जिसने जाना है उसको पता नहीं और उसको पता होना चाहिए जनाब उसको दे रहे हैं और फिर उनको बात समझानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनको एक्चुअल वो प्रोसेस में नहीं होते ना, तो वो डिग्री कर रहे होते हैं ना उनको अगला पता, बस उन्होंने सिर्वे के अपनी टांग अड़ानी होती है तो काफी मुश्किल हो जाता है गाइड करना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो ये कह रहा जा रहा है कि बच्चे को खुद करने दें सारा प्रोसेस, क्योंकि अगर वो वहाँ पे वो प्रोसेस नहीं कर सकता ना तो इधर आके भी सर्वाइव नहीं करेगा वो। बाकी ये बातें होती रहेंगी साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं फुटबॉल कोर्ट और यहाँ पे पहुँच गया। तो ये है जी अपना बता दो स्मैकडाउन वाला बाबा भी देख लो। तो ये जो पीछे अपनी वो जिम वाली बिल्डिंग जो मैंने आपको फ्रंट साइड से दिखाई थी उसकी बैक साइड है, और ये उसकी बैक पे ये उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स खैर ना इन्होंने अभी बनाया, पहले नहीं था ये, जब तू रिजवान आया ना समझ ले उससे एक सेमेस्टर पहले ये बना। तो ये वाला आप देखो ये उन्होंने फुटबॉल कोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये रनिंग ट्रैक दिया हुआ है रनिंग वगैरह करने के लिए जो लोग आते हैं, और इधर ही अंदर वो बास्केटबॉल का, आगे चल के मैं दिखाता हूँ। हाँ वो सीटिंग अरेंजमेंट बड़ी वो वॉलीबॉल के लिए है, बीच पे ना, हाँ बीच के ऊपर वॉलीबॉल करने के लिए उन्होंने स्पेशल रेस शेयर महंगी है। इधर से आओ ज़रा, ये मेरे ख्याल उन्होंने मैनेजमेंट के लिए बिल्डिंग है, हाँ इंडोर वगैरह का। अभी वो लोग कुछ खेल रहे हैं वहाँ पे फुटबॉल, लेकिन प्रॉपर नहीं खेल रहे आज, वैसे प्रैक्टिस सेशन है। कल मैंने देखा था यहाँ पे प्रॉपर जो है ना लोग ट्रैक भी बना हुआ है, हाँ प्रॉपर यहाँ पे कल लोग खेल रहे थे। हाँ तो इधर जो है सर इन्होंने ये वॉलीबॉल का दिया हुआ है, रेत शेत महंगी हुई है कि नेट अपना लगाओ इन पे पोल्स पे और शुरू हो जाओ, और जब गंदे हो जाओ रेत पे तो फिर इधर आके नहा लो खड़ा ना हो जी पता चले चल जाओ नहीं नहीं आ ये टूटी दी हुई उसने। तो खैर यह ना स्टार्ट कर देना भाजी, नहीं पानी निश्ता मुग्गा नहीं है, उन्होंने खुद ही बंद किया हुआ पीछे से। खैर रनिंग शनिंग तो हमने करनी कोई नहीं, लेकिन यहाँ से देख लो भाई अपना सिस्टम, यहाँ पे उन्होंने बुरा ओके किया हुआ स्पोर्ट्स वाला, जिसको जिस चीज़ का शौक है स्पोर्ट्स में जो सा गेम पसंद है वो कर सकता है। एडी दूरों आवाज़ नहीं आनी इधर आके, हाँ जी ये प्रोफेशनल रनिंग ट्रैक है प्रॉपर उन्होंने, और ये ना बड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, इस पे पाँव को चोट नहीं लग रही, जिस तरह मर्जी आप आगे पूरा थोड़ा सा आपको स्पोर्ट भी देता है, स्पोर्ट भी दे रहा है, जंप करवाता थोड़ा सा। और दूसरे नंबर पे आज यहाँ पे मैच कोई प्रॉपर हो नहीं रहा, वरना ज़्यादा मज़ा आता आप लोगों को। मतलब ये भी कोई गेम है जिसमें वो शायद कौन सी ये वाली, हाँ ये जब छोटे वो हॉकी थे ना, वो नहीं नहीं भाई ये वो है क्या उसको कहते हैं यार, मुझे भूल गया इसका नाम, हाँ टेनिस है ये, टेनिस का नेट लगा हुआ है पीछे। खैर जो है अभी देखते हैं चलते हैं, अभी मैं आपको वो जो अंदर वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो आपको पीछे नज़र आ रहा है उसका टूर करवाता हूँ अंदर से, उसमें जिम वगैरह है, जिम एंड पे चलेंगे, बाकी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या उसमें बना हुआ है। कुछ मेरे ख्याल से उधर फैकल्टी किसी एक दो सब्जेक्ट्स की वहाँ बनी हुई हैं। ये जी ग्राउंड आ गया मेरा, मुझे आपने क्या देखना है, ग्राउंड देखें, ये फुटबॉल का ग्राउंड है बनाई हुई है बेहतरीन, ये पहले नहीं था रिजवान, ये वाला जो सारा ग्राउंड सिस्टम और ये इन्होंने अभी बनाया ना, ये पहले नहीं था जब हम लोग आए थे, अभी इन्होंने ये सारा बनाया, वरना ये यहाँ पे पूरा ऐसे घास लगी हुई थी बेतुका सा वो हुआ था, और ये बैक साइड भी सारा घना जंगल है पीछे। इधर मैं अक्सर पहले हम जाते होते थे शुरू शुरू में, यहाँ पे ना हिरने शिरने ये वो अंदर घूम रही होती हैं तो इधर तक आ जाती थी, अभी इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट कर दी है, थोड़ा पार्क शार्क बना दी है, तो अब इधर इतना नहीं आता, उधर जंगल में ही है। चलो चलते हैं और चल के देखते हैं आगे का सीन इधर क्यों बैठ रहे हैं व्यू देखना है। ट्रॉफियाँ शोफियाँ रखी हैं, हैवी सीन कीता ट्रॉफी श्रॉफीज रखी हैं भाई फुल नहीं। ये किस चीज़ पे
बास्केटबॉल तो कोई नहीं तेन कड़ा उन्होंने बाहर कट देना बास्केटबॉल कोर्ट है भाई है चलो दूसरा आगे क्या बनाऊंगा अच्छा जी ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं जा रहा हूँ जो मेन बिल्डिंग है वो जो मैंने पहले आपको दिखाया ना वो ग्राउंड के सामने वाला था जो मैं आपको फुटबॉल का ग्राउंड दिखा रहा था अभी इस बिल्डिंग के ऊपर है अगर जिम जाना है तो वो नीचे से यार रास्ता ठीक है अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ किधर जा रहे हैं हाँ ऊपर जो है इनका एक और बास्केटबॉल कोर्ट इस बिल्डिंग में भी बना हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ नहीं बास्केटबॉल नहीं सॉरी बैडमिंटन का कोर्ट जो है कॉफ़ी लेनी है तूने सिक्के मेरे पास बहुत ज़्यादा सिक्के वा दूँ वापसी पे लेना आ जाओ पहले अंदर से दिखाते हैं लोटे अच्छा जी स्पोर्ट्स हॉल 209 बास्केटबॉल चल रही है इधर तो लेकिन इधर ही जो है मैं खेलता रहूँ आकर बैडमिंटन भी मैं खेलता रहूँ इसी इस पे ना नेट पे अभी आ जाओ उसके बाद जो है अच्छा ये वही बिल्डिंग है वहाँ पे मैं उस टाइम खड़ा होकर बना रहा था अब जो है मैं नीचे जिम की तरफ जा रहा हूँ तो अपना काम जो है वर्कआउट स्टार्ट करते हैं काफ़ी घूम फिर लिया आज ये जिम की इंट्रेंस है अपनी इस पे जब तुम लोग वहाँ पे रजिस्टर करोगे ना स्टूडेंट्स पे तो इस तरह का क्यूआर कोड तुम्हें दे देंगे वो इसको मशीन के साथ रख के चलाना थोड़ा आगे करना इस तरह नहीं होगा चल खुल गई हम चलो जी ओ क्या हाल करी पता चले मुंह के बाल गिरा वो अच्छा इधर ना इनका नहाना आने जाने वाला सिस्टम ओपन होता है एक दिन मैं इधर आया तो बंदा सर इधर नहा रहा हूँ नंगा ही फुल्ली ना उसमें इंटरव्यू बना मैंने कहा यार इनको शर्म ही नहीं ये चेंजिंग रूम इन्होंने दिया हुआ है छोटा सा ये कोई जैकेट शैकेट हो तो क्योंकि हवा लग जाती है पकने सर हमने भी जैकेट उतार लेने अभी डोले डोले कोई नहीं है छोटी छोटी डोलियाँ डोले अभी बाद में बनेंगे चलो आ जाओ अब मुझे लग रहा है अंदर आवाम आ गई हुई है म्यूजिक चल रहा है म्यूजिक तो चलता ही रहता है ये है जी अपना वेट लिफ्टिंग वाला एरिया ठीक है ना इधर बेंच प्रेस ये वो सारे मामला इधर हैं अपना स्क्वाट्स वगैरह लगाने हो ठीक है वो सारे मामला यहाँ पे होते हैं इधर वो वेट लिफ्टर होते हैं ना जैसे अपना वो नू बट है बड़ा फेमस है मोटा सा वो सारे इधर लगे हुए होते हैं चलो दूसरे सेक्शन में चलते हैं हम रिजवान साहब किधर जाने का इरादा है नहीं चलते जा रहे हो ना मैंने कहा पाकिस्तान ना पहुंच जाना वापस बड़ी मुश्किल से इधर पहुंचे हो तुम ये है जी अपना सारा दूसरा वाला एरिया वो मशीनें वगैरह सारी लगी हुई हैं आज मैंने जो है मैंने करने हैं वैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स और फोर आर्म्स तो भी लगाते हैं थोड़ी देर तक अच्छा जी पहली एक्सरसाइज जो है मैं लगाता होता हूँ बाइसेप्स के लिए वो ये वाली इसमें थोड़ा जो है मैं लगाता होता हूँ 8 रेप्स लगाता हूँ और 3 सेट लगाता हूँ इसके मैं लगाता हूँ जी 8 लेफ्ट और 3 सेट ये पहली एक्सरसाइज इसके बाद मैं दूसरी एक्सरसाइज लगाता हूँ बारबेल के ऊपर वेट्स लगा के उसके भी मैं 3 सेट और 8 रेप मतलब मैं इसमें मैंने फॉर्मूला ये बनाया हुआ है मैं अपने रेप्स कम रखता हूँ 6 से 8 रेप्स रखता हूँ और मैं अपने जो सेट हैं वो 3 रखता हूँ ये 4 वो सेट में ज़्यादा कर देता हूँ और आज भी पहली बाइसेप्स ही लगाते हैं हम सारे और उसके बाद जो है ट्राइसेप्स लगाएंगे और एंड में 4 आर्म्स तो हर रोज़ 4 आर्म्स में हर रोज़ लगाएंगे
Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 शुरू कर। अच्छा जी भाई, दूसरी एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ बारबेल के साथ, ठीक है। इसके मैं लगाता हूँ तकरीबन 8 रैप्स, 6 से 8 जितने मेरे से हो सके, ठीक है। और इसके मैं 3 सेट लगाता हूँ, 2 या 3, और मैं एंड तक लगाता हूँ, मतलब कि जब तक मेरा फेल नहीं हो जाता ना, बाइसेप्स से दोबारा उठाया नहीं जा रहा, तब तक मैं लगाता हूँ हर सेट। और ये दूसरी एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। फिर ट्राइसेप्स की मैं लगाता हूँ केबल्स, वो जो आपने देखे होंगे वो वाली केबल्स, उसके 12 रैप्स लगाता हूँ हर सेट में, और उसके भी 2 से 3 सेट। ट्राइसेप्स की मैं एक बोर्ड लगाता हूँ, और एक मशीन के साथ एक बोर्ड लगाता हूँ, वो भी मैं कभी दिखाऊंगा। तो अभी ये है कि म्यूज़िक वगैरह भी है, तो मैं अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको छोटा सा समझ आ गई होगी यहाँ पे, मतलब क्या सिस्टम। मैंने आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह दिखाया है, ठीक है, आप बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, ये सब चीज़ें दिखाई हैं, जिम दिखा दी है, टूर करवा दी है। तो अब आपको जो है ना, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और रिजवान साहब, आप भी चैनल बना रहे हैं सुना? मैं भी बना रहा हूँ आपके साथ, मैं भी व्लॉग बनाया करूँगा। रिजवान भी बना रहा है, तो जब ये बनाएगा तो इसका मैं भी अपना आज का वर्कआउट दिखाता, लेकिन मुझे ट्रेनर ने रिकमेंड नहीं किया, उसने कहा आपने सिर्फ आज जो है ना वो रनिंग ही करनी है, पहले अपना स्टैमिना बिल्ड करना है। तो ये बनाएगा तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, आप व्लॉग वगैरह भी देख सकते हैं। चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।